जरा सोचो, एक दिन अचानक तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे घर के नीचे से एक खुफिया सुरंग खोद रहे हैं। अब ये क्या माजरा है ये तो कहानी सुनकर ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत में हम वाकी नाम के कंप्यूटर इंजीनियर को देखते हैं जो एक बहुत बड़े पुराने घर में अकेला रहता था। वो इस घर को बेचता नहीं था क्योंकि यहां उसकी बीवी और बेटी की यादें थी जो एक कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। उसी एक्सीडेंट में वाकी की चलने की शक्ति भी चली गई थी। उसका काजीमीरो नाम का एक पालतू कुत्ता भी था जो बहुत समय से चल नहीं पा रहा था। जानवरों के डॉक्टर से बात करने पर उसे पता चला कि अब वो काजीमीरो के लिए कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद वाकिन ने नेट से सीख कर कुछ बिस्किट्स में थोड़ा जहर डाला और एक जार में रख दिए ताकि सही समय आने पर वो काजीमीरो को ये बिस्किट्स खिलाकर उसे बिना दर्द की मौत दे सके। वो अक्सर अपना समय कंप्यूटर्स के साथ बेसमेंट में ही गुजारता था और एक दिन अचानक से उसे बगल वाले कमरे से कुछ आवाजें आना शुरू हो गई। उसने जब कान लगाकर सुना तो उसे पता चला कि कुछ लोग उस पर नजर रख रहे थे और उन्हें ये भी पता था कि वो चल नहीं सकता। उस दिन तो वो वहाँ से चले गए, पर इधर वाकिन ने स्टेथोस्कोप को दीवार पर चिपका कर अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया ताकि उनकी सारी बातें किसी तरह रिकॉर्ड हो जाएं। अगले दिन उसने फिर से उनकी बातें सुनने की कोशिश की पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए चीजों को अच्छे से समझने के लिए उसने दीवार में छेद करके एक छोटा सा कैमरा लगा दिया। अगले दिन बर्था नाम की एक औरत अपनी बेटी बेटी के साथ उसके घर के ऊपर वाले कमरे को किराए पर लेने आई। बेटी गूंगी नहीं थी पर वो काफी समय से एकदम चुप रहती थी। वहीं दूसरी ओर उसकी माँ बर्था बार बार वाकिन से बात करने की कोशिश करती रहती। बर्था अक्सर ऊंची आवाज में गाने बजाती और बेटी को घर के कोनों में छुपने की आदत थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वाकिन उनके साथ खुलने मिलने लग गया। उसने बेसमेंट में जाकर देखा कि वो लोग एक खड्डा खोद रहे थे। वो अपने प्लान को क्रिसमस की रात वाले दिन अंजाम देने वाले थे और साथ ही किसी बॉम्ब की भी बात चल रही थी। पर वाकिन चौंक तो तब गया जब उसने बर्था को भी उसी कमरे में देखा। दरअसल वो छत के रास्ते से वहाँ गई थी और ना सिर्फ वो उन्हें जानती थी बल्कि वो तो उनके लीडर गैलरीटो की गर्लफ्रेंड थी और उसने वाकिन पर नजर रखने के लिए ही वहाँ पर कमरा लिया था। गैलरीटो ने उसे वहाँ आने के लिए डांटा और एक चाबी देकर वापस भेज दिया। अगले दिन वाकिन को उनका पूरा प्लान समझ आ गया कि वो ये सब बैंक के लॉकर्स में चोरी करने के लिए कर रहे हैं। बर्था के मार्केट जाने के बाद उसने बेटी से दोस्ती करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन फिर उसने देखा कि बेटी काजीमीरो के कान में कुछ तो बोल रही थी, इसलिए उसने बेटी की बात सुनने के लिए काजीमीरो के कॉलर पर एक माइक लगा दिया। अगले दिन उसने सुना कि ये लोग व्हील कार्ट के जरिए पैसे को सुरंग के एक छोर से दूसरे पर ले जाने वाले हैं। तभी गैलरीटो ने देखा कि उनका एक आदमी किसी को मैसेज भेजकर बैंक का एड्रेस बता रहा है, इसलिए गैलरीटो ने उस आदमी को नीचे बुलाकर पीटना शुरू कर दिया और बाद में एक टेबल पर बांध कर उसके सर में हथौड़ा मार के गेम कर दी उसकी। वाकिन ये देख कर बहुत डर गया पर उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो पुलिस को फोन कर सके। तभी उसने सुना कि एक पुलिस ऑफिसर भी उनके साथ मिला हुआ था और वही इस लाश को ठिकाने लगाने में उनकी मदद करेगा। काजीमीरो के कॉलर से माइक निकालने के बाद वाकिन ने बर्था की वाइन में बेहोशी की दवा डालकर उसे बेहोश कर दिया और उसके बेड के साथ ही बांध दिया। इसके बाद वो फिर से रिकॉर्डिंग देखने लगा जहां उसे पता चला कि पुलिस वाले ने साफ कहा था कि 747 और 48 लॉकर को कोई हाथ नहीं लगाएगा। बर्था के जागने के बाद वाकिन उसे खाना खिलाने गया और उससे पूछा कि आखिर वो चोरों का साथ क्यों दे रही है। इस पर बर्था ने एक सुंदर सुशील गर्लफ्रेंड की तरह जवाब दिया, मेरा गैलरी तो अलग है, वो एक चोर जरूर है लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसका ये जवाब सुनते ही वाकिन ने उसे वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई जहां उसके गैलरीटो ने अपने साथी का कत्ल किया था। ये देखकर बर्था रोने लगी। इसके बाद वाकिन ने बेटी को अपनी बेटी का पुराना कमरा रहने के लिए दे दिया और फिर वो एक प्लान बनाने लगा कि कैसे वो उस कार्टव्हील से कुछ पैसे चुरा सकता है। उसका प्लान था कि वो एक गड्ढा करेगा और जैसे ही कार्ट उसके घर के नीचे से गुजरेगा वो चुपके से थोड़े बहुत पैसे निकाल लेगा। उसने प्लान बर्था को सुनाया जिसे पूरा विश्वास था कि वो पकड़ा जाएगा और मरेगा उनके हाथों। जब उसने वापस जाकर उनकी बातें सुनना शुरू किया तो उसे पता चला कि वो लोग गलत डायरेक्शन में खोद रहे थे। इस गलती की वजह से अब उनका प्लान एक दिन और आगे बढ़ गया। उसके लिए परेशानी की बात तो ये थी कि अब वो लोग एक दूसरा डब्बा यूज करने वाले थे जो ऊपर से बंद होगा, तो ऊपर से पैसे उठाने वाला प्लान तो फेल हो गया, तो अब उसे कुछ और सोचना होगा। उसने तुरंत ही अपना प्लान बदल दिया। इसके लिए वो सबसे पहले अपने खोदे हुए गड्ढे से नीचे गया और बड़ी सावधानी से उसे मिट्टी से ढक दिया। साथ ही उसने पास से जाने वाली पानी की पाइप को चेक करके उसका नाप लिया, पर तभी उसने देखा कि गैलरीटो और उसका एक और साथी भी गुफा में आ रहे थे। इसलिए वो बड़ी चालाकी से छुप गया और उनके जाने के बाद ही वापस घर में आया। घर पहुंचने पर उसे बेटी कहीं दिखाई नहीं दी।
काजीमीरो को अकेला देखकर उसे शक हुआ कि शायद बेटी दूसरे घर में चली गई होगी। उसने जब कैमरा चेक किया तो उसका शक यकीन में बदल गया। बेटी चोरों के ठिकाने में जाकर उनका सामान छेड़ रही थी और तभी सारे आदमी भी वहां पहुंच गए, पर बेटी सही समय पर कोने में छिप गई। पर उसने एक आदमी की घड़ी उठा ली। वो आदमी अपनी घड़ी ढूंढ ही रहा था कि तभी गटमैन नाम का वो पुलिस वाला वहां आ गया जो उनकी मदद कर रहा था। उसने आकर चोरों को एक पर्ची दी जिसमें उन सभी लॉकर्स के नंबर थे जिन्हें छूने पर अलार्म बज जाएगा, और इसके बदले उन्हें लॉकर नंबर 155 से कुछ कागज लाने होंगे जिनकी गटमैन को जरूरत थी। सभी के वहां से जाने के बाद बेटी भी वापस आ गई और वाकिन ने इसमें उसकी मदद की। वाकिन ने बेटी से वो घड़ी लेकर अपने पास रख ली जो उसने चोरों के अड्डे से चुराई थी। तभी बर्था के फोन पर गैलरेटो का कॉल आया। अगर वो ये फोन नहीं उठाती तो गैलरेटो को शक हो जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वाकिन ने बर्था को उसकी मदद करने को कहा। पहले तो बर्था ने उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया, पर वाकिन ने जब उसे काजीमीरो के कॉलर की रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें बेटी ने बताया था कि 2 साल पहले गैलरेटो ने उसे गलत तरीके से छुआ और जब भी बर्था आसपास नहीं होती थी तो गैलरेटो उसके साथ कुछ गलत काम करने की कोशिश करता, तभी से उस छोटी बच्ची ने बोलना बंद कर दिया था और उसके घर में अजीबोगरीब जगहों पर छुपने की आदत की वजह भी यही थी। ये सुनकर बर्था को गैलरेटो से नफरत हो गई और वो वाकिन की मदद करने के लिए मान गई। उसने फोन उठाकर गैलरेटो से एकदम नॉर्मल बात की और कुछ भी नहीं बताया। प्लान की रात को वाकिन ने पहले ही जाकर चोरों के लगाए बॉम्ब को पानी की पाइप में लगा दिया और बैंक में सुरंग खोदकर घुस गया। अंदर जाकर उसने 747 लॉकर से कुछ पैसे चुराए और वो उसे ठीक तरीके से बंद करना भूल गया और ऐसे ही वापस आ गया। जैसे ही चोरों ने बॉम्ब फोड़ा तो पानी की पाइप भी फट गई और पानी तेजी से सुरंग में भरने लगा। चोरों को कुछ पता नहीं चला क्योंकि उन्हें लगा कि वाकिन का खोदा हुआ खड्डा असल में उनके बॉम्ब धमाके की वजह से बना है। इसके बाद वो चुपचाप बैंक में घुसे और लॉकर्स खाली करने लगे। वापस आते वक्त तक गुफा में काफी पानी भर चुका था, पर गैलरेटो उसके भाई और पार्टनर ने अपने साथियों की मदद करने की बजाय पैसे लेकर भागना सही समझा। सुरंग में पानी बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से उनमें से 2 चोर तो वापस बैंक में चले गए। अब उनके पास अपनी जान बचाने का कोई चारा नहीं बचा था, तो उन्होंने वो लॉकर खोल दिए जिन्हें खोलने पर अलार्म बजना था। इस तरह चोरी की खबर तुरंत पुलिस वालों तक पहुंच गई, लेकिन इन सब के बीच उनकी एक साथी रेने गुफा के बीच में ही फंस गई। वाकिन ने उसकी आवाज सुनकर उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसने तो हल्ला मचाना शुरू कर दिया, इसलिए वाकिन ने भी उसे बीच में ही छोड़ दिया। मर फिर यहीं पे, पागल औरत। इसके बाद वाकिन घर में बर्था को बेहोश करके बाहर पुलिस के पास गया और बताया कि उसकी बेसमेंट में अचानक बहुत सारा पानी भर गया है। इसके बाद पुलिस उसके घर में तलाशी लेने आई, पर बेसमेंट में पानी भरने की वजह से उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। वाकिन एकदम मासूम आदमी की तरह बर्ताव कर रहा था और उसने बर्था और बेटी को अपनी बीवी और बेटी बताया। जाने से पहले गटमैन ने उसका नंबर मांगा, लेकिन वाकिन ने बड़ी चालाकी से बर्था का नंबर दे दिया। पुलिस के जाने के बाद गैलरेटो अपने आदमियों के साथ एक पुलिस ऑफिसर बनकर उसके घर पर पहुंचा। वाकिन जानता था कि अगर उसने ज्यादा ना नुकर की तो गैलरेटो को शक हो जाएगा, तो उसने बिना ज्यादा नाटक किए गैलरेटो को अंदर आने दिया, लेकिन साथ साथ उसने चुपके से गटमैन को मैसेज करके घर आने को कहा। तभी गटमैन ने गैलरेटो को फोन करके लॉकर नंबर 747 खोलने के लिए बहुत गालियां सुनाई, पर गैलरेटो ने भी चिढ़कर उसका फोन ही काट दिया। इसके बाद उसने वाकिन से सवाल पूछना शुरू किया, पर वाकिन एकदम शरीफ आदमी की तरह कहने लगा कि उसे तो कुछ नहीं पता, वो तो बेचारा इस बड़े से घर में अकेला ही रहता है क्योंकि उसकी किराएदार अपनी बेटी को लेकर कल ही चली गई। पर तभी गलत टाइम पर बेटी वहां पहुंच गई जिसने उसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। इसके बाद गैलरेटो ने अपनी बंदूक निकाली और बर्था के कमरे में पहुंचा जो अब भी बेहोश थी। उसने फिर से वाकिन से सवाल पूछना शुरू किया, पर वो झूठे जवाब ही देता गया जिससे गैलरेटो को गुस्सा आ गया। उसने व्हीलचेयर पर लात मारकर वाकिन को नीचे गिरा दिया और सभी गुंडे मिलकर उसकी छिताई करने लगे, लेकिन तभी बर्था के फोन पर गटमैन का कॉल आया जिसने बताया कि वो घर के बाहर ही खड़ा है। गैलरेटो को लगा कि वो भी वाकिन से मिला हुआ है, तो उसने गटमैन को अंदर खींच कर मारना शुरू कर दिया और पूछा कि उसके पास बर्था का नंबर कैसे आया। अब सारी बात घूम फिर कर वाकिन पर आ गई, जिसने एक और झूठ बोला कि ये सारा प्लान गैलरेटो के पार्टनर जर्डो का है। उसने जो भी इन्फॉर्मेशन अपने कैमरे और माइक के जरिए निकाली थी उसने वो सारी बातें गैलरेटो को बता दी और कहने लगा कि ये सब इसने जर्डो ने ही बताया मुझे। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उसने जर्डो की घड़ी भी दिखाई जो असलियत में बेटी चुरा कर लाई थी।
साथ में उसने कहा कि बर्था को बेहोश करने वाला भी जर्डो ही था। ये सब सुनकर जर्डो पागल हो गया और उसने गैलरेटो और उसके भाई पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस शूटआउट में जर्डो और गैलरेटो के भाई कैनेरियो की मौत हो गई। अब गैलरेटो अपने भाई की लाश को पकड़कर रो रहा था कि बर्था ने गन उठाकर उसे भी गोली मार दी, क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ की गई हरकत का बदला लेना चाहती थी। इसके बाद गटमैन ने उनकी मदद करने का फैसला किया और तीनों लाशों को अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया। जाने से पहले उसने वाकिन से वो पैसे मांगे जो उसने बैंक से चुराए थे, पर वाकिन ने पैसे देने से तो मना कर ही दिया और साथ ही साथ उसे एक वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगा जिसमें वो गैलरेटो के साथ प्लानिंग कर रहा है। गटमैन ने जाने से पहले काजीमीरो के लिए बनाया वो बिस्किट खा लिया जिसमें वाकिन ने जहर भरा था। थोड़ी दूर जाते ही जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। दूसरी ओर वाकिन ने बर्था और बेटी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।